इंडिया की बात की अगर हम शुरुआत करें तो कहते हैं कि हर अंधेरी रात की एक चमकदार सुबह जरूर होती है। जोधपुर सेंट्रल जेल के सजा याफ्ता कैदियों की जिंदगी में भी अब वो सुबह आ गई है। तो वहीं एक नई पहल की सुबह छत्तीसगढ़ के एक स्कूल को भी रोशन कर रही है, जहां फीस में दिया जाता है एक पौधा। और साथ ही दिखाएंगे एक सोसाइटी जहां हर काम कैशलेस हो गया है। वहीं जाते जाते ले चलेंगे इसी डिजिटल इंडिया के एक ऐसे गांव में जिसे आज भी है विकास के पुल का इंतजार, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात में। जहाँ तो वो कहते हैं ना कि हुनर को दबाया और छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप में हुनर है तो आप अपनी खास पहचान बना ही लेते हैं। और ऐसे ही हुनर के दम पर जोधपुर के सजा याफ्ता कैदी अपनी धुनों पर आजकल बारातियों को नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर कैसे, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। परोल और रिहाई के बीच बैंड बाजा और बारात, ये बारात है आम लेकिन बैंड बाजा है खास। जी हाँ, घोड़ी पर सवार दूल्हा, राजस्थानी साफों और सूट में सजे धजे बाराती और एक अनोखा बैंड। देखने में किसी दूसरे बैंड जैसा ही, फिर भी दूसरे बैंड से अलग है ये बैंड, क्योंकि अपनी सुरीली धुनों पर बारातियों को नचाने वाले ये बैंड वाले हैं बेहद अलग। क्योंकि ये बैंड वाले कलाकार जोधपुर सेंट्रल जेल के सजायाफ्ता कैदी हैं, लेकिन पूरा शहर इनकी धुनों का ऐसा दीवाना है कि हर कोई अपनी बारात में सिर्फ इन्हें ही बुक करना चाहता है, क्योंकि खूबसूरत धुनों के बीच इस बैंड के जरिए कहीं ना कहीं जिंदगी भी संवर रही है। जोधपुर जेल के अधीक्षक विक्रम सिंह कहते हैं, ये परोल और रिहाई के बीच का बेहद अहम समय होता है, जिसमें बंदी पर विश्वास किया जाता है कि जेल परिसर से बाहर काम करने का मौका मिलने पर भी वो भागेगा नहीं, अनुशासन में रहेगा। जेल बैंड मशहूर है क्योंकि ब्रास बैंड पुराना है और अमूमन फौज के अलावा चलन में नहीं है। बैंड भले ही कैदियों का हो, लेकिन आम लोग इस बैंड के शाही अंदाज के मुरीद हैं, जिसके साज और धुने बिल्कुल अलग और हटकर हैं। यही नहीं, ये बैंड दूसरे बैंड के मुकाबले काफी सस्ता भी है और सब इसे अफोर्ड कर सकते हैं। बैंड के साथ एक सुरक्षा कर्मी सादी वर्दी में साथ जाता है। जेल बैंड में 20 बंदी हैं और 3 घंटे की बुकिंग 3400 रुपए में होती है, जबकि कमर्शियल बैंड अमूमन 11,000 रुपए से कम में नहीं मिलते। बंदियों को रिहाई पर इसकी 50% राशि दी जाती है। जोधपुर सेंट्रल जेल की ये मुहिम कैदियों को जिंदगी की नई राह तो दिखा ही रही है, साथ ही आम लोगों के कार्यक्रम में भी खासी रौनक लगा रही है। इसी जेल के पूर्व अधीक्षक श्याम सुंदर बिस्सा कहते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन की एक कोशिश है। इस हुनर की बदौलत जेल से रिहा होते ही बंदियों को काम मिल सकता है, साथ ही सभी बंदियों को जेल की नीरसता से भी थोड़ी राहत मिलती है। सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि जयपुर में भी जेल बैंड की परंपरा रही है, लेकिन इन दिनों नए बंदी अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं, लिहाजा कोई बुकिंग नहीं ली जा रही। कुल मिलाकर कहें तो ये पहल काफी सराहनीय है, जहां कैदियों को ये बैंड एक नई ऊर्जा देती है कि वो अपनी जिंदगी को सामान्य रास्ते पर ला सकें, और साथ ही बैंड बुक करने वालों के लिए भी उन्हें नए परंपरागत बैंड के अलावा कुछ नई धुनें सुनने को मिलती हैं। अब अगर एक छोटी सी कोशिश कई जिंदगियों को नए संगीत से गुलजार कर रही है, इसकी तारीफ किए बिना कैसे रहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।